हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन पिज़्ज़ा रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये रेसिपी आप कैसे घर पे बहुत ही आसानी से बनाइएगा, यही मैं आज आपको सिखाऊंगी। और ये रेसिपी बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत अच्छी लगती है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करें तो मेरे नए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं पिज़्ज़ा के डो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप गुनगुना गर्म पानी लिया है, एक छोटा चम्मच ड्राई ईस्ट लिया है और यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, आप आटे का भी यूज़ कर सकते हो। एक छोटा चम्मच चीनी चाहिए, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मुझे चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, ये भी आपके स्वाद अनुसार। अब चलिए अभी ईस्ट को जो है एक्टिव कर लेते हैं। तो ये पानी जो है ज़्यादा गर्म मत लेना। तो यहाँ पे मैंने ड्राई ईस्ट डाल दिया है, यहाँ पे चीनी भी 1 चम्मच डाल दिया है। अभी डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, एकदम कम, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अभी इसको घोल के मिला लेंगे अच्छे से। ईस्ट को घोलने के बाद 10 मिनट के लिए इसको रखना पड़ेगा एक्टिव होने के लिए। ये ईस्ट इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि पिज़्ज़ा का डो जो है वो बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तो इसको अभी रख देंगे साइड पे। अभी 10 मिनट बाद मेरा ईस्ट जो है वो एक्टिव हो गया है। अभी तो इसमें चलिए 1.5 कप मैदा डाल देते हैं। तो इसमें अभी 1.5 कप मैदा डालेंगे। अभी डाल देंगे काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, ये भी आपकी इच्छा अनुसार, ये आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अभी हाथों की सहायता से डो बना लेंगे पिज़्ज़ा का। अभी इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसको धीरे धीरे करके हाथों की सहायता से, जैसे रोटी का डो बनाते हो वैसे ही आपको आटा बांधना पड़ेगा अच्छे से। तो ये डो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये डो थोड़ा सा नरम और हाथ में चिपकता है, इसका टेक्सचर ऐसे ही रहता है। मैंने और भी पिज़्ज़ा रेसिपीज मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, प्लीज़ आप उसको देखिए और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे करके डो जो है वो रेडी कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी और चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा आटा और चाहिए, तो आप मिला सकते हो। यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि मैंने थोड़ा सा मैदा और डाल दिया है, थोड़ा सा स्टिकी ज़्यादा है इसके लिए। तो इसका डो बांधने के टाइम ही आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हो मैंने डो जो है बहुत ही अच्छे से बांध दिया है, तो ऐसा ही टेक्सचर इसका रहेगा, आप देख सकते हो। तो चलिए अभी इसके ऊपर थोड़ा सा, आधा छोटा चम्मच जैसा ऑयल लगा लेते हैं। तो इसको लगा के फिर से थोड़ा सा बांध लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डो जो है वो एकदम अच्छे से रेडी कर लिया है, पिज़्ज़ा डो। तो अभी इसको बाउल में रख देंगे। तो अभी इसको ढक के इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। थोड़ा गर्म जगह पे ये डो रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फूल जाएगा अच्छे से। और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और पिज़्ज़ा के डो फूलने के लिए भी थोड़ा सा जगह होना चाहिए। ऐसा बर्तन में या आप टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हो, ऊपर आप प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल से कवर किया है। तो आप देख सकते हो रेडी हो गया है। तो चलिए अभी दूसरा इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिंग के लिए चीज़ चाहिए, 2 बड़े स्लाइस चीज़ लिया है, मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके लिया है, आप देख सकते हो।
तो चलिए दूसरा इंग्रेडिएंट है टमाटर। एक ही टमाटर काट के रखा है, प्याज एक छोटा प्याज बड़े बड़े शेप में काट लिया है, अदरक पेस्ट और लहसुन 4 से 5 चाहिए, ये लाल मिर्ची मैंने ले लिया है, और यहाँ पे सेम तरीके से वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव कटा हुआ नमक स्वाद अनुसार, और शिमला मिर्ची लंबे कटे हुए, कुछ चिकन के पीसेस एंड गरम मसाला। तो चलिए अभी हम जो है चीज़ा के ऊपर का टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। तो पहले मसाला बना लेते हैं। तो एक मिक्सिंग जार में मैं एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट डाल दूंगी। तो पहले आप देख सकते हो कटे हुए प्याज डाल दिया है, फिर डाल देते हैं लहसुन, 4 से 5 ही लेना इनफ है। तो अदरक लिया है 1 छोटा चम्मच, अभी लाल मिर्च डाल दिया, इससे कलर अच्छा आएगा, टमाटर भी डाल दिया है, तो इसका बहुत ही थिक सा पेस्ट मैं तैयार कर लूंगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। तो अभी इसको चिकन पीसेस के साथ मैरिनेट करना पड़ेगा। तो अच्छे से चिकन के साथ मसाला जो है वो मैरिनेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैरिनेट हो गया है। अभी इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ नमक, एकदम थोड़ा सा ही नमक डाल दिया है, तो ये भी आपके स्वाद अनुसार। अभी डाल देंगे इसमें गरम मसाला 1 चम्मच, फिर डालेंगे यहाँ पे काली मिर्च के पाउडर यानि कि ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा ऑयल 1 बड़ा चम्मच जैसा। इसको भी अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से चिकन के अंदर चला जाए, मैरिनेट हो जाए बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे मैंने पैन में तेल रख के गरम कर लिया था गैस ऑन करके, तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन वो डाल दिया है। तो मैं भूल गई थी एक बात बताना कि चिकन को आप 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट कीजिए, वही इनफ है, ज्यादा करोगे तो भी अच्छा है चलेगा। तो इसको अच्छे से पकने देते, एकदम सूखा बना देंगे। तो ढक्कन बंद करके 10 मिनट धीमे आंच में पकाएंगे, फिर ढक्कन खोल के इसको आंच बढ़ा के सुखा लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इटालियन सीजनिंग मसाला यूज किया है पिज्जा के ऊपर डालने के लिए, ये भी बाजार में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, और पास्ता सॉस, पिज्जा सॉस वो भी मिल जाते हैं। आप इसके जगह टमाटो केचप का भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 घंटे बाद जो है डो का पेपर खोल दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा डो बन गया है, फूल गया है। इसको पंच कर लीजिएगा, फिर इसको अच्छे से हल्के हाथों से एक बार फिर से इसको बांध लीजिएगा अच्छे से। तो देख ही सकते हो बहुत ही सॉफ्ट सा है अपना डो। तो चलिए अभी प्लेट रेडी कर लेते हैं पिज्जा का। तो यहाँ पे मैंने एक केक मोल्ड का नीचे का जो प्लेट है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें ऑयल लगा के ग्रीस कर रही हूँ ताकि पिज्जा बेक होने के बाद निकालने में सहायता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा मैदा भी ऊपर से डस्ट कर दिया है। तो चलिए अभी जो डो मेरा एकदम रेडी हो गया था फुल के, उसको थोड़ा अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ऊपर अच्छे से आटा या मैदा कुछ भी हो आप छिड़क लीजिए, और फिर अच्छे से उसको मसलते हुए डो को और सेट कर लीजिए ताकि इसको अच्छे से आप रोटी के शेप दे सको, इतना टेक्सचर इसका होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट कर ही लिया है। तो चलिए अभी इसको और थोड़ा सेट कर लेते हैं दोनों हाथों से थोड़ा अच्छे से, ताकि ये रोटी बनाने लायक हो जाए ऐसा। तो चलिए अभी इसको 2 समान भाग में ये कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 2 गोले बना लिया है। अभी चलिए 1 गोले का पिज्जा बना लेते हैं। तो पहले ऐसे प्लेट में आप फैला दीजिए हाथों के सहायता से, फिर इसको बेलन के सहायता से थोड़ा सा दबाते हुए चारों ओर से रोटी के शेप दे दीजिए। ये पूरा ही आप हाथों से भी कर सकते हो, या तो आप बेलन के सहायता भी ले सकते हो, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में वैसा ही, क्योंकि रोटी बहुत ही सॉफ्ट होता है इसीलिए आप हाथ से भी इजीली कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है, पूरे प्लेट के शेप में रोटी आ गया है बहुत ही अच्छे से। तो ये मेरा रेडी हो गया है। तो चलिए इसके ऊपर पास्ता सॉस या तो फिर आप टोमेटो केचप का भी यूज कर सकते हो, तो वो लगा लीजिए अच्छे से, उसको बहुत ही अच्छे से आप स्प्रेड कर दीजिए पूरे रोटी के ऊपर।
अभी चलिए इसके ऊपर फॉर्क की सहायता से थोड़ा सा छेद कर लेते हैं ताकि पिज्जा अच्छे से फूले और सारे हीट भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिज्जा सीजनिंग मसाला डाल दिया है ऊपर से। अभी डाल देंगे चीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चीज डाल दिया है, दोनों चीज, स्लाइस चीज और मोजरेला चीज ग्रेटेड किया हुआ, वो भी डाल दिया। ये चीज भी आपकी इच्छा अनुसार जितना आप खाना चाहो उतना आप डाल सकते हो। फिर उसके ऊपर डाल दिया है ऑलिव छोटा छोटा कटे हुए। आप और भी सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे कैप्सिकम भी डाला है आप देख सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि मेरा जो टॉपिंग है चिकन टॉपिंग वो भी सूख के एकदम रेडी हो गया है, बहुत ही जूसी है। ये अभी पिज्जा के ऊपर हम डालेंगे। तो चलिए अभी डाल देते हैं एक एक करके। ये भी आपकी इच्छा अनुसार जितना चिकन आप डालना चाहते हो आप डालिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने करीबन 10 पीसेस डाल दिए हैं। तो चलिए इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा चीज डाल देते हैं। तो अभी इसको बेक करेंगे माइक्रोवेव में। आप चाहो तो इसको पैन में भी, हेवी बॉटम पैन में भी आप धीमी आंच में पका सकते हो। मेरे और भी पिज्जा रेसिपी है, उसमें आप देख लीजिए कैसे मैंने बनाया है। तो चलिए अभी प्री हीट कर लिया है माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए। अभी कॉन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री में इसको 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टेम्परेचर भी सेट कर दिया है 180 में। अभी इसको 5 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पिज्जा हमारा बेक हो रहा है, तो थोड़ी इंतजार है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी सा पिज्जा रेडी हो गया है। तो इसको पिज्जा कटर या तो नाइफ की सहायता से आप काट लीजिए चार टुकड़े में। तो चलिए अभी आपको दिखा देते हैं कितना अच्छा बना है पिज्जा। तो बहुत ही चीजी एंड यम्मी चिकन पिज्जा मेरा रेडी हो गया है। तो ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मेरी रेसिपीज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर भी कीजिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी पिज्जा रेडी हो गया है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।